आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अति निंदनीय है, परंतु ऐसी खबरें आए दिन चर्चा में बनी रहती है। बात चाहे खुद को दलितों का मसीहा बताकर खुद का बेशुमार विकास करने वाली मायावती की हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, चाहे कांग्रेस के गांधी परिवार की हो, समाजवादी पार्टी की हो, इन सभी ने प्रशासन से हमेशा ही जूते साफ करवाए हैं। बड़े बड़े सरकारी अफसरों को अपने पैरों में गिराया है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। आजम खान ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया था कि कई अफसरों से सरकार बनने के बाद जूते साफ करवाएंगे। अब आप ही बताइए कि क्या इन नेताओं की इतनी औकात है जो आईपीएस या उनके ऊपर की रैंक से जूते साफ करवाए। सरकारी कर्मचारी जनता का कार्य करने के लिए होते हैं, न कि इन अनपढ़ नेताओं के गंदे पैरों को छूने के लिए। लेकिन ताजुब की बात यह है कि आए दिन ये सब देखने को मिल रहा है। अभी अभी मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक वीडियो सामने आते ही एकाएक वायरल हो गया है, जिसका कारण है कमलनाथ सरकार में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का इस वीडियो में होना। वीडियो वायरल हुआ है क्योंकि इस एक महिला ऑफिसर भीड़ के बीच में झुक कर मंत्री साहब के पैर छूते नजर आ रही है। इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत ने भी ट्वीट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वीडियो में नजर आ रही महिला ऑफिसर का नाम संजना जैन है। यह ऑफिसर देवास में नगर निगम कमिश्नर के पद पर तैनात है। मंगलवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर जिले के एक गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें कमलनाथ मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी शिरकत की। लेकिन तभी वहां मौजूद नगर निगम की आयुक्त संजना जैन उनके पास पहुंची और उन्होंने कमलनाथ के मंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, तो भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारियों को नेताओं की शरण में बताया है और साथ ही महिला ऑफिसर द्वारा मंत्री का पांव छूना नियम के खिलाफ बताया है। उन्होंने इसके लिए उचित कार्रवाई की भी बात की है। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये है नया मध्य प्रदेश। अफसरशाही मंत्री जी के चरणों में देवास की नगर निगम कमिश्नर सुश्री संजना जैन मध्य प्रदेश के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की चरण वंदना करती हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन किसी ऑफिसर द्वारा सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की मंत्री के पांव पड़ना न केवल एक शर्मनाक घटना है, बल्कि उस पद की भी तौहीन है जिस पर वह नियुक्त है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि कांग्रेस के आने से वहां प्रशासन में बहुत तेजी से बदलाव आया है, क्योंकि यही वो महिला अफसर है जिन्होंने कुछ साल पहले देवास के युवराज और शिवराज सरकार के मंत्री तुकोजीराव पवार को ऐसी अफसरी दिखाई थी कि हड़कंप मच गया था, लेकिन आज ये पांव पड़ती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वाकये पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।